Hello everyone, welcome to my another video and today we are going to talk about books. So study says कि हमें हमारे brain की functionality को maintain रखने के लिए उसे engaged और active रखना पड़ता है और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी रहनी पड़ती हैं regularly और इसका best तरीका है by reading books. Today I will tell you the benefits of reading a book, how to read a book efficiently and 10 books that every individual must read in their life. और लास्ट में वीडियो के मैं बताऊंगा एक ऐसी बुक जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है और वो दुनिया की सबसे हेल्पफुल और सबसे पावरफुल बुक है. तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड. तो अब स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो. तो चलो होती है इस दुनिया की एक अच्छी और एक एंगेजिंग बुक हमारे माइंड को काफी हद तक रिलैक्स कर सकती है. बुक्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है. द मोर वी हैव नॉलेज द बेटर इक्विप्ड वी आर टू टैकल एनी चैलेंज इन द वर्ल्ड. इट कैन एनहांस आवर वोकैबुलरी, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी हो सकती है. मोर ओवर हमारी कॉन्सेंट्रेशन, हमारा फोकस और हमारा मेमोरी मैनेजमेंट भी इससे इंक्रीज हो सकता है. को पढ़ना कैसे चाहिए? सबका अपना अलग तरीका होता है बुक रीड करने का. आई विल टेल यू माइन. तो मैं बुक को लाइन बाय लाइन रीड नहीं करता, आई स्किम थ्रू द बुक. सो मैं बुक को पढ़ता हूँ, कुछ कुछ चीजें पढ़ता हूँ, जो मुझे बोरिंग स्टफ लगता है या फिर जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं स्किप कर देता हूँ. और आई एम नॉट अ फास्ट रीडर, मैं नॉर्मल रीडर हूँ, मैं नॉर्मली रीड करता हूँ. तो इसकी वजह से मेरी रीडिंग फास्ट हो जाती है थोड़ी सी और मैं एफिशिएंटली रीड कर पाता हूँ. बुक रीड करने का मुझे लगता है बेस्ट टाइम होता है सुबह सो के उठने के बाद. उस टाइम पे आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और अगर उस टाइम पे आप बुक रीडिंग करके अपना माइंड का फोकस उसमें लगा देंगे तो आप दिन भर फोकस्ड रह सकते हैं. आप किसी भी जॉनर की बुक्स पढ़ सकते हो, इट डजंट मैटर. मैं पर्सनली नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बुक्स आर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. तो स्टोरी बुक्स में पढ़ना प्रेफर नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बदले मैं कोई फिल्म ही क्यों ना देख लूं, टू बी फ्रैंक. तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी टाइप की बुक्स पढ़ते हैं. So now we are going to talk about top 10 books that every person must read in their life. So सबसे पहले है Think Like a Monk by Jay Shetty. क्या बुक है? इस बुक में जे शेट्टी ने बुद्धिज्म और मॉन्क में प्रैक्टिस करके जो भी चीजें सीखी हैं वो सारा उसने बताया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हर सिचुएशन में मॉन्क की तरह सोच के आप अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. तो सेकंड नंबर पे जो बुक है उसका नाम है इकिगाई. अगर आपको इकिगाई का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस बुक को जरूर पढ़िए. बहुत छोटी सी बुक है लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज देती है. ये जापान के एक विलेज में बेस्ड बुक है और बहुत 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 अच्छी बुक है. थर्ड नंबर पे जो बुक आती है उसका नाम है द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन. हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो बंदा हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमारे बारे में क्या सोचती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं. ये बुक उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करती है और कैसे आप इन बुक्स की कॉन्सेप्ट को, इस बुक की कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं. फोर्थ नंबर पर जो बुक आती है उसका नाम है सेपियंस बाय यूएल नोआ हरारी. ये बुक हमारी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री के बारे में है. एवरीथिंग वी ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड थ्रू आउट द ईयर्स हैज बीन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक. अगली बुक है लिस्ट में 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी. इस बुक में इस सेंचुरी में हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं और उनसे कैसे निपटना है उन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है. तो बहुत प्यारी बुक है ये. अगली बुक है माई पर्सनल फेवरेट अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग. बहुत 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 अच्छी बुक है. इस बुक में फ्रॉम बिग बैंग टू द अर्ली सिविलाइजेशन कैसे क्या क्या चीज़ें हुई है सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट रफ गाइड टू साइंस एवर मेड. अगली बुक है लिस्ट में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अ वेरी वेरी पावरफुल बुक. इस बुक में ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात किया गया है, कैसे हमें दूसरे इंसानों के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे उनसे बात करना चाहिए, कैसे उन्हें अपने बातों में लाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है. नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट इज रिच डैड पुअर डैड, द बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक एवर मेड. ये बुक में बताया गया है कि कैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं. जो आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कोट्स देखते हो, मनी कोट्स, मनी ग्राफ्स देखते हो, वो सारी की सारी इसी बुक से टेपे गए हैं. तो आप सीधा ये बुक पढ़ लो, बहुत पावरफुल बुक है. द नाइन्थ बुक ऑन द लिस्ट इज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन.
ये एक 100 साल पुरानी बुक है और इसमें पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप बेबीलोन की हिस्ट्री जानते हैं तो आपको ये बुक पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और वैसे भी हर किसी को पढ़ना चाहिए ये बुक, क्योंकि इस बुक में बताया गया है क्यों बेबीलोन में सबसे अच्छे अभी तक के मनी माइंडेड पीपल थे। द फाइनल बुक ऑन माय बुक लिस्ट इज श्रीमद् भगवद् गीता। ये इतनी प्यारी बुक है, इतनी अच्छी बुक है, मैं क्या बताऊँ। इस बुक को पढ़ो और जो इसमें लिखा गया है उसको किसी ना किसी तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, देखो तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इस बुक में बहुत सारा नॉलेज दिया गया है, इस बुक में दुनिया के हर सवाल का जवाब है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। इसको बताने में मेरे को पूरा एक वीडियो लग जाएगा, तो शॉर्ट है बस इतना ही था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, मैं बहुत सारे कंटेंट सही में लेके आने वाला हूँ, मज़ा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।